हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग अपनी गिटार प्लेइंग स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग दी वेस्टेड अनवांटेड मोशंस जो हम गिटार में देते हैं, और इनकी वजह से हमारी स्पीड स्लो होती है। तो आज हम लोग इनको एलिमिनेट करना सीखेंगे। अगर आप लोग एक बिगनर है तो आप लोगों के लिए लेसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक इंटरमीडिएट है तो मे बी आप लोगों को ये पता हो, मे बी ना पता हो, बट अगर पता है तो सही बात है, आप लोगों को एक और रिमेम्बरेंस मिल गई। अगर नहीं पता तो इस चीज़ को सीखो, बिकॉज दिस कैन रियली हेल्प यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है। अगर आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के जस्ट 5 मिनट बाद वो वीडियो लाइव हो जाएगा, तो उसको आप लोग चेक कर लें। मेरे चैनल पर जाकर यहाँ पर पॉपअप लिंक आ रहा होगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस विद मी। तो ये कोर्स नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस है लाइव वाला। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक पॉपअप में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो बेसिकली क्या होते हैं अनवांटेड मोशंस, पहले मैं आप लोगों को लेफ्ट हैंड का बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को राइट हैंड का बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेट बोल के पास को आ जाते हैं हल्का सा, तो होप करता हूं आप लोगों को फ्रेट बोल दिखाई दे रहा होगा। अगर साफ भी दिखाई दे रहा कोई इशू नहीं है, यहाँ पर फ्रेट बोल से रिलेटेड तो कुछ नहीं, बस आप लोगों को मेरी बातें सुनिए, ठीक है। तो सपोज आप लोग प्ले कर रहे हैं क्रोमेटिक एक्सरसाइज लाइक 1 2 3 4 ऑन 5th फ्रेट, ठीक है। और आप लोग कैसे प्ले करते हैं, बेसिकली जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो क्या प्ले करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट फिंगर से, अगर आपने इंडेक्स फिंगर से दबा रखा है तो बाकी 3 फिंगर्स आप लोगों की बहुत ऊपर रहती है फ्रेट बोर्ड से, ठीक है। देन आप फर्स्ट प्ले करने के बाद सेकंड प्ले करने के लिए आप लोग इस फिंगर को हटाते हैं, बाकी 3 फिंगर्स ऊपर रहती है, मिडिल फिंगर नीचे आती है सेकंड फ्रेट में, देन आप लोगों का सेकंड नोट होता है, देन थर्ड नोट, देन फोर्थ नोट। तो बेसिकली जब भी आप कुछ प्ले कर रहे होते हो तो आप लोगों की जो बाकी फिंगर्स होती हैं वो बहुत ऊपर होती है फ्रेट बोर्ड से। तो इससे होता क्या है कि आप लोगों का एक अनवांटेड मोशन है फिंगर्स का जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और जब आप लोगों की फिंगर इतनी ऊपर है तो नीचे आने में भी उसे इतना टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग इसे कितना भी तेज प्ले करना चाहें तब भी कितनी तेज होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है, बिकॉज एक डिस्टेंस है जो आप लोगों को कवर करना अपनी फिंगर से। बट अगर आप लोग इस डिस्टेंस को बिल्कुल मिनिमाइज करते, बिल्कुल कम कर दें, तो थिंग्स कैन गेट बेटर और मच फास्टर। तो अगर आप लोग बिल्कुल अगर ऐसे चिपका के रखें, जब आप लोग फर्स्ट नोट प्ले कर रहे हैं आप लोगों के फिंगर्स बिल्कुल फ्रेट बोर्ड से ही चिपकी रहें, स्ट्रिंग से चिपकाएंगे तो आवाज़ म्यूट हो जाएगी, बट स्ट्रिंग से जस्ट ऊपर रखें और प्ले करें 1, ठीक है, देन 2 प्ले करें, और ये वाली जो इंडेक्स फिंगर्स को ओपन ही बिल्कुल उसके पास ऐसे 3 ऐसे 4, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप लोग की स्पीड फास्ट होगी, बिकॉज उतना मोशन देना नहीं है, फिंगर जस्ट स्ट्रिंग के ऊपर है, एंड यू कैन ईजिली प्ले इट। ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप लोगों को इलेक्ट्रिक गिटार में, ठीक है, एकॉस्टिक में बिल्कुल हेल्पफुल है, जरूरी है, बट इलेक्ट्रिक में ज़्यादा सिंपल फील होता है बिकॉज स्ट्रिंग्स ज़्यादा स्मूथ रहती है, ठीक है, प्ले करना आसान होता है। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप लोगों की पिंकी फिंगर हल्का सा ऊपर रहेगी, बिकॉज वो हल्की सी छोटी होती है तो उसका हल्का सा स्पेस चाहिए होता है ऊपर को आने का, बट उसको भी साथ लेते चलना है, ऐसे नहीं कि पिंकी फिंगर को बिल्कुल इग्नोर मार देना है कि पिंकी फिंगर बाकी 3 फिंगर तो नीचे है बट पिंकी फिंगर बहुत ऊपर, ऐसा नहीं, ठीक है। आप लोग कोशिश करें जितना आप लोग नीचे ला सकें, जैसे कि मैं आप लोग देख पा रहे मेरी बाकी 3 फिंगर्स है, पिंकी फिंगर हल्की सी ऊपर जा रही है, चाहे मैं कितना कोशिश कर लूँ, बट स्टिल वो इतना ऊपर नहीं जा रही जितना पहले जाती, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, अनवांटेड यूजलेस जो आप लोगों के मोशन उनको कम करना है, स्पीड ग्रो होगी। तो योग लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड में क्या, राइट हैंड में बेसिकली पिकिंग, जब आप लोग पिक कर रहे हैं तो आप लोग किसी नोट को प्लग करने के लिए ऊपर कर रहे हैं, मतलब नीचे कर रहे हैं, फिर ऊपर कर रहे हैं, फिर नीचे कर रहे हैं, फिर ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे लंबे मोशन लेते, लाइक कुछ भी प्ले करना, लाइक तो आप लोगों को ये नहीं करना, आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को प्ले करने के लिए बहुत ही छोटा सा मोशन चाहिए गिटार के जो स्ट्रिंग्स है उसके आसपास, तो आप लोगों को उसी को यूज करना है, बस आप लोगों को हल्का सा नीचे डाउन, हल्का सा डाउन, हल्का सा, और इस मोशन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत छोटे छोटे मोशन को। इससे आप लोगों की दो चीज़ों की, एक तो आप लोग फास्टली प्ले कर सकते हैं, दूसरा आप लोग ट्रिलिंग सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही आप लोगों का राइट हैंड में एक और चीज़ है जो कि है स्ट्रमिंग की, ठीक है। तो जब आप लोग स्ट्रमिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप लोग बिल्कुल बहुत लंबे लंबे वो ले रहे हैं, लाइक, ठीक है, ऐसे नहीं करना, आप लोगों को बहुत छोटे छोटे वो लेने, यू नो, स्पेसेस लेने स्ट्रमिंग करते हैं, जिससे कि आप लोग ऐसे भी कुछ प्ले कर सकें, लाइक समथिंग है, तो डट, ये जो है ये तभी हो पाएगा जब आप लोग बहुत स्मॉल गैप्स ले रहे हो, अगर आप लोग ज्यादा ले रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, लाइक, ठीक है। तो आप लोग की स्पीड जरूरी स्लो होगी, अब जैसे मैं कुछ प्ले करूँ, और ऑल्सो इससे एक फायदा क्या होता है कि आप लोग अगर पास पास से स्ट्रमिंग प्ले कर रहे हैं तो आप लोग पाम म्यूट यूज कर सकते हैं, लाइक, ठीक है। तो
ये भी एक प्रॉफिट मिलता है, मतलब बेसिकली अगर आप लोग अनवांटेड जो मोशंस उनको कम करते हैं तो ऑन एंड ऑन आप लोगों को प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करो, राइट हैंड की प्रैक्टिस करो और फिर सिंक्रोनाइज करो दोनों को और आप लोगों की स्पीड जरूर करोगे। अगर आप लोगों को पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए, बट ये आप लोगों के लिए रिमेंबरेंस है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो श्योरली आप लोगों को चीज़ पसंद आएगी, तो उसके लिए वीडियो में एक लाइक बनता है। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है तो आप लोग चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, पॉपअप में लिंक, आई बटन में। एंड आज के लिए यही था वीडियो, शॉर्ट सा वीडियो बनाया था बिकॉज बहुत टाइम हो गया था नहीं बनाया था। ऑल्सो दिस इज द न्यू सेटअप, जिस पास से वीडियोज आएंगे बिकॉज मैं शिफ्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, आगे आप लोगों के लिए और वीडियोज आने वाली हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।